पहला इसका है स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी का मतलब है कि एक प्रॉपर वे में आप चलते हो ठीक है research. Research है है पहला रिसर्च रिसर्च अब क्या री अगेन एंड सर्च ढूंढना या एग्जामिन करना किसी भी चीज को दोबारा से स्टडी करना इन मोर डिटेल ठीक है ट्राई करना टेस्ट करना अगेन एंड अगेन करना ये होता है रिसर्च स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी का मतलब है कि हमेशा रिसर्च एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करके की जाती है एस सच बस ओवरऑल नहीं कर देते कोई को भी एक चला गया ठीक है सबसे पहले आप कॉज फाइंड करते हो देन अवेयरनेस की तरफ जाते हो फिर एक प्लान बनाते हो कि अब करना क्या है फिर उस प्लान को अप्लाई करते हो और देन उस अप्लाई उस प्लान को अप्लाई करके उसका एक डाटा रिकॉर्ड करते हो कि अब दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर पॉसिबल और ये ये सरकमस्टांसिस uh, हो सकते हैं ये ये आउटकम्स हो सकते हैं ठीक है डेट यूटिलाईज एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी मुराद ये है कि कोई भी ऐसा तरीका जो साइंटिफिकली प्रूवन हो पुराना भी हो सकता है और नया भी हो सकता है पुराने के अंदर जैसे कि वो कहते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करना है अब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो सिंपल ब्लड टेस्ट से मेजर हो जाता है लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप कोई नया मेथड भी लेके आ सकते हो जो कि साइंटिफिकली प्रूवन होना मतलब एक्सेप्टेबल हो तो आप पहला मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो और कोई अपनी तरफ से नया जो आपको लगता है कि ये मैम नया मेथड डेवलप करूं ऐसे, ऐसे ऐसे अगर किया जाए तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी तो आप वो भी दे सकते हो ठीक है टू सॉल्व प्रॉब्लम कोई एक ईशू जो आपने सोल्व करना है उसके लिए जो है ना वो रिसर्च की जाती है अगर आपके पास कोई इशू नहीं है इनफैक्ट इन एम एस सी वो कहते हैं कि फाइंड आउट द प्रॉब्लम ठीक है तो कोई एक प्रॉब्लम आपकी रिसर्च सॉल्व करनी चाहिए एंड क्रिएट न्यू नॉलेज दैट इज जनरली एप्लीकेबल और एक ऐसा नॉलेज जनरेट करे दैट इज जर्नरलीप्लीकेबल जर्नली एप्लीकेबल का मतलब है कि अगर उसके अलावा कोई भी बंदा जो है वो उस एक रिसर्च को अप्लाई करता है या इन जर्नरली लोकल लोग हैं जब उससे कोई बनने वाली चीज या उस रिसर्च को री रि स्टार्ट करते हैं या खुद से करने की कोशिश करते हैं तो वो सारा का सारा नॉलेज एप्लीकेबल होना चाहिए जनरली ओवरऑल इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो आ, आपने तो कर दिया उसके बाद आप कहें कि नहीं अब मैंने कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखी थी तो इस वजह से हो गया अब ये दोबारा एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता तो ऐसा कोई सीन नहीं होता रिसर्च के अंदर ठीक हो गया तो ऐसा नॉलेज जनरेट करना है जो कि फर्दर रिसर्च के लिए जो है ना वो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता हो

नीमिया हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है थीके? तो वो आपने वो प्रोसीजर इस्तेमाल करना है systematic, systematic जो कि उससे रिलेटेड है सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक प्रोसीजर शुड फॉलो अ सर्टेन लॉजिकल ऊपर जो डेफिनेशन की है उसी में से कुछ ये पॉइंट है ठीक है तो अस्ट्रक्चर इंक्वायरी वही कहता है सिस्टमैटिक एक प्रॉपर वे ऑफ पैटर्न वे ऑफ वे टू फॉलो होना चाहिए उसके अंदर वैलिड एंड वेरीफाइबल ये जो लास्ट पॉइंट था क्रिएट न्यू नॉलेज और ये इसमें जो यहाँ पेस्ट इज जनरली एप्लीकेबल उसको कहते हैं वैलिड एंड वेरीफाइए कि अगर कोई भी बंदा जो है दोबारा उसको आ, उसको लगाता है उसी रिसर्च को सेम आ, आ, सेम कंडीशन में हर चीज सेम रखे तो उसको भी सेम रिजल्ट्स आने चाहिए जैसे कि आपने रिजल्ट्स हासिल किए ठीक है तो इसको कहते हैं वेरी वैलिड एंड वेरीफाइबल अब इसमें कहते हैं कैन मी डन अगेन फाइव परसेंट एरर एक्सेप्टेबल ये एमसीक्यू के तौर पर कितने परसेंट एरर जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है फाइव मतलब कि Uh, जितनी भी उसने रेंजेस दी या जो भी उसने डाटा दिया उसको स्टैट के थ्रू ना एनालाइज किया जाता है और वो फिर बताता है कि ओके फाइव परसेंट अब प्लस या माइनस जितना भी है उसको आप uh, कर सकते हो एक्यूरेसी मतलब नाइन्टी अगर हंड्रेड परसेंट उसकी पहले वाले किया तो दूसरा बंदा जो है अगर उसको रिसर्च को सेम कंडीशन के मुताबिक करता है तो उसका आंसर नाइन्टी तक आना चाहिए अगर नहीं आ रहा प्रॉपर कंडीशन को फॉलो करने के बाद भी तो दैस मीन्स कि आपने जो है ना वो रिसर्च uh, प्रॉपर नहीं किया और योर रिजल्ट आर नॉट रिप्रोड्यूसेबल एम्पेरिकल एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन जो भी आप बोलेंगे कंक्लूड करेंगे एविडेंसूजन एंड क्रिटिकल लॉजिकल प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड डिडक्शन और इसके अंदर जो है वो प्रॉपर एक प्रोसेस होना चाहिए इंडक्शन होता है कि किसको इंक्लूड करना है कौन सा, सा बंदा जो है एज अ सैंपल इस्तेमाल किया जाएगा एंड डिडक्शन किसको एक्सक्लूड करना है अब जिसको इंक्लूड करना है उसको क्यों इंक्लूड किया और जिसको डिड्यूस करना है यानी कि निकालना है या उसको नहीं आपने सेलेक्ट करना उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए और वो फिक्स क्राइटेरिया और यानी कि क्रिटिक क्राइटेरिया होना चाहिए सही हो गया अब हम बात करते हैं रिसर्च मेथड की तो ये एक बेसिकली एट स्टेप मॉडल है जो सर आपको कहते हैं फ्रेमवर्क बनाए फ्रेमवर्क बनाए ठीक है तो उसमें जो है पहला पॉइंट किया फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपने जाके ये देखना है कि मेरा टॉपिक क्या होगा मैं रिसर्च करना करना क्या है पहला पॉइंट क्या होता है करना क्या है ठीक है तो इसके लिए आप क्या करते हो प्रीवियस कोई भी रिसर्च उठाते हो अपना टॉपिक आप डिसाइड करके उसके बाद आप कहते हो रिसर्च प्रॉब्लम बनानी है ना तो आप क्या करते हो पुराने आर्टिकल उठाते हो एक पहले नैरो करते हो अपने आप को चलो मैं डायबिटीज और किसी चीज के ऊपर देखता हूं तो उसके बाद आप क्या करते हो उसके जितना डाटा जितनी रिपोर्ट्स जितने आर्टिकल्स कुछ भी करंट प्रिवेलिंग को मतलब आप पुरानी चीजें देखते हो उससे आप अपना टॉपिक ढूंढते हो अब कैसे अब इस इसमें कैसे कि पहला जो मैंने आपको बताया ना कि टॉपिक ढूंढना तो उसके लिए आप क्या करोगे डाटा कोई रिपोर्ट पढ़ी होंगी जैसे एन आ गया तो करंट प्रिवेलिंग इशू लास्ट डे में जब हम पढ़ रहे थे कोरोना की एक मिसाल चल रही थी आजकल जो है ना वो मतलब इन तो मतलब लेकिन प्रिवेलिंग है, आ, अगर आप न्यूट्रिशन से चलते हो तो वो, तो वो से तो प्रिवेलिंग एक इश्यू है ठीक है तो उस, पे क्या उस पे क्या पर क्या इम्पेक्ट आएगा उसपे क्या आप कर सकते हो आ, तो दैट तो इज अ प्रॉब्लम ठीक है जो आप अगर बलुचिटेड न्यूट्रिशन इज अफेक्टेड तो दैट इज अ प्रॉब्लम और उसपे की उस उसपे ऊपर हो सकता है पहले से फूड भी अवेलेबल हो बहुत सारी रेमेडीज भी अवेलेबल हो बट यू कैन फाइंड ओके ये एक स्पेसिफिक फूड है जैसे मैं ऐसे बिस्किट्स बना सकता हूँ जो कि हाई एनर्जी हो हाई हाई न्यूट्रिएंट हो और थोड़े अमाउंट में ज्यादा दे सके और कॉस्ट इफेक्टिव हो तो ये आपका क्या हो जाता है इस तरह आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो तो आप पहली रिपोर्ट पढ़ के पहला डाटा पढ़ के आप उससे एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो देन चूज प्रीवियस रिसर्च एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड और सेकेंड पॉइंट क्या है कि आप मतलब एक तो ये तरीके का रहा है ना कि किसी भी कोई आपको प्रिवेलिंग इशू लगता है या आपको रिपोर्ट पढ़ते हो या आपको लगता है या न्यूज में आपने सुना कि ये दिस इज द प्रिवेलिंग इशू एंड देन यू स्टडी दैट तो एक ये, ये तरीका दूसरा ये है कि किसी ने काम किया और काम करके एक प्वाइंट पर लाके रोक दिया जैसे किसी ने आर्टिकल लिखा आ, आर्टिकल लिखा और उसमें बता दिया कि ये इतना काम मैं कर चुका हूं मुझे इतने रिजल्ट मिल चुके हैं अभी इसमें मजीद इस तरह की रिसर्च की जरूरत है तो आप उस आर्टिकल को पकड़ते हो आप कहते हो इतना काम हो चुका है मैं इसी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करता हूँ जो चीज उससे नहीं हो पाई उस पर काम करूंगा तो दैट तो इज ऑल्सो अ टॉपिक ठीक हो गया कंसेप्चुलाइजिंग रिसर्च डिजाइन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपने टॉपिक चूज कर लिया अब आपने एक रिसर्च डिजाइन बनाना होता है कंसेप्चुलाइज करना होता है क्यों कंसेप्चुलाइज का क्या फायदा होता है कि आप पहले से एक बना के रखते हो कि ये ऐसे होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए ताकि आपको विद इन बिफोर टाइम आपको ना अंदाजा हो जाता है कि कि विल दिस रिसर्च वर्क और नॉट जब आप लॉजिकली चलते हो कि, अच्छा ये होगा तो उससे ये तो होना ही चाहिए फिर उस स्टेप से आगे ये होना चाहिए ठीक है तो आपको पहले से अंदाजा हो जाता है कि आपने किस तरह काम करना है और क्या ये काम होगा भी कि नहीं अब इसमें कहते हैं कि रिसर्च एंड कैन बी सर्वे बेस्ड और मेजरमेंट बेस्ड दो तरह के बेसिकली रिसर्च डिजाइन हो सकते हैं सर्वे बेस्ड होता है जिसके अंदर आप प्रॉपर सिर्फ जाते हो लोगों से डाटा कलेक्ट करते हो हाँ जी आप बता दें नाम क्या ये है आपकी हाइट कितनी है वेट कितना आपको क्या है, मसले मसाइल दैट इज सर्वे बेस्ड और दूसरा होता है मेजरमेंट बेस्ड जिसमें आप प्रॉपरली खुद मेजर करते हो मेजरमेंट लेते हो खुद से सारे असेस करते हो, हो सकते हैं टेस्टिंग भी करते हो ठीक है ब्लड टेस्ट कर लिए ये वगैरह वगैरह सारा वो मेजरमेंट बेस्ड होता है इन डिजाइन यू विल आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन रिसर्च वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल बेसिकली ऐसे पैरामीटर हैं जो आप चूज करते हो अपने रिसर्च के लिए टू गेट द रिजल्ट लाइक मिसाल के तौर पर आप कहते हो जो ना टी जो है ना वो ग्रीन टी जिसे वो ओबेस्टी के अंदर जो है बड़ा रोल प्ले करती है तो अब टी के केस के में अवेरिएबल्स क्या होंगे कितने कप ऑफ टी कितनी बार देने हैं उसके एक्टिव कंपाउंड क्या है खाने से पहले खाने के बाद तो सारे फैक्टर्स कितनी देर के लिए दोगे एक महीना रिसर्च चला कराओगे कितने दिन बाद अल्टरनेटिव डे पे दोगे कि दिन में तीन चार बार दोगे तो ये सारी की सारी क्या है उसके हैं जिनको आप कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हो ठीक है और अफेक्ट चेक कर सकते हो नंबर ऑफ कप्स मैटर करते हैं नंबर ऑफ टाइम पर डे मैटर करता है अगर एक बंदा रिसर्च में आप सिर्फ पर लिख दो चाय तो एक बंदा सिर्फ आप एक रिसर्चर क्या करे सुबह को सिर्फ देता जाए और एक सुबह शाम देता जाए तो रिजल्ट विल वेरी तो ये आपने डिसाइड करना होता है कि ये वेरिएबल्स क्या हैं और वेस्टी के केस में क्या होंगे वेरिएबल बीएमआई वेस्ट टू हिप रेशो कि इतने कप ऑफ टी ग्रीन टी देने से इतने टाइम में जो है वो ओबेस्टी के उबेस्टी के जो पैरामीटर्स होते हैं इसी तरह अगर आप डायबिटीज की बात करते हो तो उसके उसके अंदर अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल भी वाल भी वाला पॉइंट आ जाता है ठीक है मेनली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो उसका, जो है है उसका वो एक पैरामीटर है जो कि चेंज होगा अब उसमें एच बी भी आ जाएगा रैंडम भी आ जाएगी और रैंडम ब्लड ग्लूकोज भी आ जाएगा फास्टिंग भी आ जाएगी तो डिफरेंट पैरामीटर है जो कि चेंज होंगे जिनको आप ऑब्जर्व करोगे ठीक है तो ये दोनों चीजें अब इसमें जो है वेरिएबल कुछ हैं जो आपके कंट्रोल में है, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होंगे अब कंट्रोल में जो है वो सारे के सारे चाय वाले जितने भी हैं ये आपके कंट्रोल में कितने कप ऑफ टी दोगे कितने नंबर ऑफ टाइम एक्टिव अमाउंट जो भी है सारा कुछ आपके कंट्रोल में होगा और ये वाले क्या होंगे अनकंट्रोलेबल क्योंकि बी अपनी मर्जी से चेंज होगी जैसे जैसे आपकी रिसर्च चलती जाएगी तो ये खुद ही चेंज होगा आप नहीं चाहोगे कि इसका आ, मतलब आप अगर चाहोगे मैं इसका बी एम हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन आप डिसाइड uh, कर लोगे उन्नीस वेस्ट टू रेशो अकॉर्डिंग टू विद टाइम जो है वो खुद ब खुद चेंज होगी आपकी लगाई गई इंटरवेंशन के मुताबिक

अब आप अगर इंटरवेंशन अप्लाई कर रहे हो तो फिर भी आपके पास क्वेश्चन तो होगा ना कि अच्छा इसमें क्या चेंजेस आई क्या हुआ कैसे हुआ ठीक है वो सारा कुछ तो डेटा कलेक्शन uh, है इज पार्ट दोनों में अगर आप इंटरवेंशन लगा रहे हो तो वो भी इंटरवेंशन मतलब है कि आप खुद से कोई चीज उन्हें देते हो कि जी चीज खुद से देने लग जाओ कि तुम खाओ और एक ऑब्जर्वेशनल होती है कि वो ब, उनका बस एक लाइफ स्टाइल है या जो भी दे आर डूइंग ऑलरेडी आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हो ठीक है तो अब आपने डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट Uh, जो है वो डेवलप करना है टेस्ट लोग हैं, तो कौन -कौन हैं, तो हैं, 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 हैं सर्वे स्केल से भी वो होता है ना कि एक से दस तक रेट कर दें ठीक है तो वो वाले क्या डेवलप करोगे किस तरह कौन सी uh, ऐसा जो है डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी रिसर्च से हंड्रेड मैच करता है इट ऑल्सो इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट डेट यूज टू चेक द रिजल्ट एंड आउटकम और इसके अंदर वो तमाम इंस्ट्रूमेंट भी आ जाते हैं जो कि आप बाद में रिजल्ट्स चेक करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करोगे पहले आपका डाटा कलेक्शन डाटा कलेक्शन स्टार्ट में भी आता है और एंड में भी हो सकता है स्टार्ट वाली डायरा कलेक्शन कौन सी थी कि जनरली आप पूछो हाँ जी आपका अगर आप सैंपल सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप पूछते हो आपका नाम क्या है आपको डायबिटीज है नहीं है जाहिर सी बात है अगर डायबिटीज पर रिसर्च है तो डायबिटिक्स लोग है ना तो उसके लिए आपका क्वेश्चन आयर होगा अब जब आप उस पर इंटरवेंशन अप्लाई करते हो यू स्टिल नीड सम काइंड ऑफ क्वेश्चन आयर टू चेक द रिजल्ट्स रिजल्ट जो रिजल्ट्स आए हैं उनका क्या ओवरव्यू है उनके अंदर क्या चेंजेस हैं क्या कुछ इंप्रूवमेंट आई है और व्हाट आर द इफेक्ट्स ठीक है तो वो भी आप उन्हीं से पूछोगे कि आर यू फीलिंग मोर एक्टिव और नॉट या आप खुद से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके पास फिर भी एक एक, एक लेआउट होना चाहिए कि इसके अच्छा ये टिक है ये क्रॉस है ये नहीं हुआ ये हुआ इनमें ठीक है वो सारी चीजें अब आपने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली आपने रिसर्च डिजाइन कंसेप्चुलाइज कर लिया कंसेप्चुलाइज किया बनाया नहीं लगाया नहीं है उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेवलप किया कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है तीसरा चौथा स्टेप होता है सिलेक्टिंग अ सैंपल तो सैंपल क्या होता है मतलब सैंपल क्या होता है एक बड़ी पॉपुलेशन का एक ऐसा पार्ट जिसको आप एज रिप्रेजेंटेटिव लेते हो जैसे कि वो अब फैसलाबाद के अगर आवाम है तो वो बहुत सारे लोग हैं आप उनमें से क्या करते हो हर कॉलोनी में से दो दो लोग ले लेते हो उनको जो है वो प्रॉपर उन पर रिसर्च लगा देते तो हो दैट इज कॉल्ड सैंपल कि आप सब पे काम नहीं कर सकते लेकिन हर एक पार्ट उस एक पूरी पॉपुलेशन का या उस पूरे एक एक्सपेरिमेंट को आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो या जो भी एक एरिया है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर पार्ट में से उसके मल्टीपल टेक्निक्स हैं शायद इसमें आगे आए नहीं इसमें नहीं है वो एफ के कोर्स में आती है पुराने वाले में आ, शायद आप लोगों को याद हो वो तो उसके अंदर क्या डिफरेंट टेक्निक्स होती है सैंपल सिलेक्शन की तो सैंपल जो है वो एक पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है कि अगर दो एक कॉलोनी से उठाए दो एक कॉलोनी से उठाए दो एक कॉलोनी से उठाए और उनको आपने चेकआउट किया तो इसका मतलब ये कि आपने फैसलाबाद का पूरा एरिया कवर कर लिया ठीक है तो ये वाला सिनेरियो इसके अंदर होता है राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल जब आपने ये काम कर लिया अब आपको चाहिए कि आपने अपना एक रिसर्च प्रपोजल देना है इट इज रिटर्न टू फंडिंग एजेंसी जाहिर सी बात है यू यू डोंट हैव दैट मच मनी कि आप उसका पूरा एक प्रोसीजर एक इंस्ट्रोमेंट को चला सकते हैं ठीक है यू नीड मनी उसके लिए आप क्या करते हो फंडिंग एजेंसी को अपना एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि उसके ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप बताते हो आप क्या करना चाहते हो क्यों करना चाहते हो और कैसे करोगे ठीक है

Then you will not be able to do that, जो पाकिस्तान में इस केस में फिर आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि मैं ये कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूँगा कैसे करूंगा कितने की बात करनी है कितने बार देने तो सारा कुछ आप एक्सप्लेन करते हो ठीक है प्रपोजल लिखा उसके बाद आप कहते हो कलेक्टिंग डाटा जो आपने ऊपर इंस्ट्रूमेंट का लिया डाटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसको इस्तेमाल करते हुए दो तरह के डाटा हो सकते हैं इनकी यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन करनी है बाकी डिटेल बाद में प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि आप डायरेक्टली उन लोगों से कलेक्ट करते हो अगर आप मैंने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है और मैं मैंने डाटा कलेक्ट करना है और मैं डायरेक्टली आप लोगों के मुतिक करना है तो मैं डायरेक्टली आपसे आता हूँ पर्सन वन ऑन वन इंटरव्यू करता हूँ डैट इज प्राइमरी डाटा सेकेंडरी क्या होता है कि जो कि पहले से रिसर्चेज हो चुकी है वो वाला डाटा

आप उस किताब जो उठाते हो एंड यू कैन गेट अच्छा ये, ये था। तो डायरेक्ट कलेक्ट नहीं किया आपका, आप उन लोगों को नहीं जानते आपका उन लोगों नहीं हुआ इसी तरह आप हॉस्पिटल से एक डाटा रिकॉर्ड ले लेते हो जस्ट टू सी इशू क्या है जस्ट टू सी के ओके डायबिटीज के कितने पेशेंट uh, जो हम पिछले महीने आए इधर ठीक है तो डाटा क्योंकि डाटा ठीक है प्रोसेसिंग डाटा डाटा अब जब आप data ले लेते हो उसके बाद आप उसको मतलब कलेक्टिंग डाटा दो टर्म्स में है एक ये कि बिफोर रिसर्च और अगर आप बाद में रिसर्च के बाद भी करते हो जैसे आप रिजल्ट कैलकुलेट करते हो रिजल्ट फाइंड करते हो कि इतने लोगों को जो है वो इफेक्ट हुआ uh, इतने लोगों को बैड इफेक्ट हो गया इतने में ये चेंजेस आई बीएमए में इतनी चेंजेस आई uh, उसमें हेप, वेस्ट में इतनी इतनी, इतनी चेंजेस तो दैट इज uh, वो भी डाटा आप किससे कलेक्ट करोगे डेटा कलेक्शन मेथड से वही टूल जो भी इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन आयर हो गया कोई इस तरह के इंटरव्यू नहीं थे ठीक है अब ये जो बाद वाला डाटा आया है इसकी आपने करनी होती है प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग के लिए स्टैट के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें आप सारा डाटा कॉपी पेस्ट कर देते हो एंड देन वो बता देते कि, वो ही जो मैंने आपको बताया ना कि नाइनटी फाइव परसेंट फाइव परसेंट जो है वो एक्सीड सिंह कितने लोगों को क्या हुआ रिजल्ट जो बना के दे देता है वो स्टैट का सॉफ्टवेयर है जब आप ये सारा कुछ कर चुके होते हो आपकी रिसर्च हो गई आपने स्टैट के सॉफ्टवेयर से अपना काम कर लिया देन यू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट ये रिपोर्ट होती है जो कि आपकी रिसर्च की ईच एंड एवरी बताती है ठीक है क्या किया और उसके आउटकम क्या है और ये लोकल uh, पब्लिक को भी अवेलेबल होती है कि वो भी पढ़ सकें क्योंकि जो रिसर्चिज हैं वो फंडेड होती हैं और फंड जो है वो टैक्सेस से आते हैं तो टैक्स किसके है? अवाम का तो द एनी रिसर्च जो भी रिसर्च हो रही है वो प्रॉपरली जो है ना वो आवाम के सामने क्या है प्रेजेंट हो, होनी चाहिए उन तक अवेलेबिलिटी होती है उसकी क्योंकि दे हैव द राइट फॉर दैट ठीक हो गया तो ये हमारे जो है एट मॉडल है एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नन ऑफ दैन बी पाई पास और जम आप इनमें से कोई स्टेप भी नहीं छोड़ सकते ड्यूरिंग द रिसर्च यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेजेस स्टेजेस के अंदर हमारे पास है चार स्टेजेस बेसिकली ऊपर वाली ही काइंड kind ऑफ of है लेकिन हमने उनको थोड़ा सा एक ओवर ब्रॉडन टर्म दे दिया प्रिपरेशन स्टेज पहले प्रिपरेशन क्या है अपना इश्यू डिफाइन करते हैं आप ठीक है फिर अब इश्यू डिफाइन करने के लिए आप क्या कहते हैं तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर उस उस सेम मुताल जैसे आपने इश्यू डिफाइन कर लिया कि डायबिटीज डायबिटीजिया सॉरी <laughs> तो अब आपने उससे लिटरेचर पढ़ना है थ्योरीज पढ़नी कॉन्सेप्ट पढ़ने लिटरेचर पढ़ने क्या होता है पुराने आर्टिकल्स पुरानी चीजें जो पहले से लिखी जा चुकी हैं ठीक है थीके? पिछले चार साल में पांच साल में जितनी उससे रिलेटेड लिखी जा चुकी हैं उन्हें पढ़ते हो और कंसेप्चुलाइज द स्टडी डिजाइन यानी कि पहले दो स्टेप जो थे कंसेप्चुलाइज रिसर्च डिजाइन और फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम ये दोनों किस्में आ गए प्रिपेरेशन स्टेज में क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को उसके बाद क्या था इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना डिजाइन स्टेज मॉडलिंग डिप हाइपोथिस तो आपकी किस स्टेज स्टेज में में आ जाएगी डिजाइन अब इसमें आपने क्या करना मॉडल बनाना मॉडल क्या होता है पहले से एक लेआउट बनाना कि आप काम कैसे करेंगे और उसके अंदर क्या क्या किया जाएगा डिवेल हाइपोथिस हाइपोथिस क्या होता है क्या होता है कि जिसके अंदर आप एक स्टेटमेंट देते हो एक जनरल स्टेटमेंट के जिसमें मैंने किया ना अगर फर्ज करो चिया सीड्स और डायबीज तो मैं लिखूंगा चिया सीड्स विल इससे तो मतलब ऑपोजिट हो हो इस होती है नल हाइपोथिस जो कि टोटली पैरामीटर ऑफ डायबिटीज तो ये दो टर्म्स आ गई हाइपोसिस एंड नल हाइपोसिस अब इन दोनों टर्म्स को आप उनमें से कोई एक प्रूव होनी होती है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो या तो आप वाली बात प्रूव हो जाती है हाइपोथेसिस और या फिर जो दूसरी होती है नल हाइपोसिस वो प्रूव हो जाती है डिफाइन वेरिएबल्स वही जो चाहेगा बताया कितने का क्या करना है कैसे करना है ये सारा कुछ आप डिजाइन करते हो मॉडलिंग भी और ये डिफाइन वेरिएबल तो ये किस में आ जाए डिजाइन स्टेज उसके बाद आता है ऑपरेशन स्टेज इसमें आप डाटा कलेक्ट करते हो अब इसमें मॉडलिंग के अंदर वो भी आ जाएगा क्वेश्चन डेवलप करने वाला काम भी वो भी मॉडलिंग में आ जाएगा ठीक है डाटा कलेक्ट करते हो प्रोसेस एनालाइज डाटा को एनालाइज करते हो और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो जब आप टेस्ट कर लेते हो देन यू रिपोर्ट द रिजल्ट आपके हक में है या आपके खिलाफ है आप उसकी एक रिपोर्ट बनाते हो और उन्हें जो है वो आगे लेके जाते हो अच्छा ये एक उन्होंने बनाया हुआ है तो ये उसने आठ नौ नाम लिखे हुए जीवोग्रीफ सही है लेकिन ये नहीं भी करोगे तो इसका कोई इश्यू नहीं है अगर आपने ये समझ लिया है तो इसी तरह की एक तीर शीर बना अगर सर कहेंगे रिसर्च को डिजाइन डिफाइन कर दो या डिजाइन बना दो तो ये जो आठ स्टेप है ना इनको बस डब्बों में बना के बेशक लिख देना आया नहीं है, ऐसा को है। पेपर थोड़ा सा लेकिन ये, uh, जो, uh, will, uh, ये थोड़ा सा है इसको याद कर लो सबसे पहले आप रिव्यू लिटरेचर पहले आपका काम क्या होता है कि जो पहले से अवेलेबल है लिटरेचर उसको पढ़ते हो उसको देखते हो ठीक है उसमें से टॉपिक करो फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन व्हाई इट हैपेंड और वाई आ, किया गया? क्यों नहीं, किया? अच्छा, नहीं किया तो मैं करता हूँ रिसर्च डिजाइन अब उसके बाद आपने एक रिसर्च डिजाइन चूज करना होता है रिसर्च डिजाइन डिपेंड करता है की आप, आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है आपकी इंटरवेंशनल स्टडी है आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे या अपनी तरफ से कुछ उनमें उनको गाइडेंस देंगे कि ये खाएं ये ना खाएं तो ये रिसर्च डिजाइन है जो कि हम थर्ड फाइल को कवर करते हुए या सेकंड और थर्ड फाइल को कवर करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है कलेक्ट रेलिवेंट डाटा उसके बाद डाटा रेलिवेंट करते हो अब इसमें प्री डाटा भी प्री एक्सपेरिमेंट डाटा भी एंड पोस्ट एक्सपेरिमेंट डाटा भी एंड देन यू इंटरप्रेट फाइंडिंग एंड देन यू पब्लिश फाइंडिंग और वो पब्लिश फाइंडिंग जो है पब्लिश फाइंडिंग उसमें जितने भी फ्लॉज होते हैं that can, that again lead to a new

The the uh, will decrease the BMI by और जो मैंने स्टार्ट में बताया पहला वेरिएबल कप ऑफ नंबर ऑफ कप ऑफ टीज तो वो था पहले वाला तो दोनों के दरमियान एक एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बताता है कि ये करने से ये होगा अगर हम इतने कप ऑफ ग्रीन टी देंगे तो उससे ये इतनी इंप्रूवमेंट आएगी दैट इज एन एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप रिसर्च तो हुई नहीं अभी एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप पता है कि ये होना होना चाहिए उसके बाद आपके पास आ जाता है इट इंक्लूड प्लान ऑफ एक्शन क्या करना है कैसे करना है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीवियस रिसर्चेज पहले आप बताते हो कि प्लान ऑफ एक्शन करना कैसे उसके बाद आप देखते हो प्रीवियस रिसर्चेस का उस आपसे आप वाले रिसर्च से रिलेटेड या आपके टॉपिक से रिलेटेड अपना पॉइंट क्या था है प्रावीन क्या कहती हैं

अपना आइडिया प्रेजेंट करते हो ठीक है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लाइज विद मच ब्रॉडर फ्रेमवर्क कार्ड थेल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो उससे एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है जिसे आप कहते हो थेरेटिकल फ्रेमवर्क तो ये एक जनरल टर्म है और इसमें जो स्पेसिफिक टर्म है वो क्या है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अच्छा इसके अंदर स्टेप्स में मेक अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सबसे पहले आपने टॉपिक चूज करना होता है ठीक है क्या टॉपिक है डिसाइड ऑन विस टॉपिक यू विल डू रिसर्च स्टडी प्रीवियस रिसर्च एंड रिपोर्ट टू फाइंड अ वायरल टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक ढूंढने जो तो प्राइमरी रिसर्च से मिल जाए या कोई वायरल टॉपिक चल रहा है तो उससे आप रिसर्च का टॉपिक ढूंढते हो यू फाइंड जैसे मैंने फाइंड किया कि ग्रीन टी रिड्यूस ओबेसिटी तो ये मेरा एक टॉपिक है विल इट रिड्यूस ओबेसिटी और नॉट डू आर लिटरेचर रिव्यू आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया अब ये हमें तो सर ने कहा था कि आपने सिर्फ पांच पेपर पढ़ने हैं ठीक है थीके? Uh, आप uh, जो जब प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारे पेपर जो है वो पढ़ने पड़ते हैं तो आप क्या कहते हो आपको जो के, के पांच से आठ आर्टिकल पढ़ते हो सारे सारे पढ़ते हो अब, मतलब उसके एब्सट्रैक्ट पढ़ते हो बाकी सारी चीजें पढ़ते हो एंड देन यू फाइंड व्हाट इज द गैप दैट कैन दैट कैन बी फील्ड ठीक है कि इन रिसर्चेज में जो पहले से रिसर्च है इनमें क्या इश्यूज हैं जिनको अभी एड्रेस करना बाकी है जो एड्रेस किए जा सकते हैं जिन पर रिसर्च की जा सकती है वो पॉइंट नूड टू साइंटिफिक जनरल पीयर रिव्यूड आर्टिकल ऑनलाइन अब इसमें आपने कोई भी पुराने आर्टिकल अगर उठाने हैं तो सिर्फ साइंटिफिक होने चाहिए यानी कि गूगल से नहीं गूगल स्कॉलर से आने चाहिए उसके अलावा जो प्रॉपर वेबसाइट है एनसीबीआई और बाकी जो है उनसे जो है वो जो, मतलब प्रॉपर आर्टिकल होने चाहिए और पियर्ड रिटिकल पियर्ड रिटिकल देते हैं बेसिकली क्या कहते हैं कि जब आप एक आर्टिकल को जमा करवाते हो तो एच जो है वो किसी प्रोफेसर को या किसी उस फील्ड से रिलेटेड बंदे को देते हैं कि इसमें देखें कि इसके अंदर कोई इशू हो या कोई कोई भी इस तरह की चीजें हो ठीक है तो इट इज टर्म पीयर रिव्यूड आर्टिकल ठीक है कि उसके अंदर वो प्रॉपर प्रोफेसर जो है उसको रिव्यू किया होता है तो उस तरह के यानी कि जो प्रॉपर साइंटिफिक है और प्रॉपर रिसर्च के साथ है उन आर्टिकल को आपने चूज करना उसके अलावा कोई नहीं चूज करना आइसोलेट इंपोर्टेंट वेरिएबल अब आपने पुराने वालों को देखते हुए उसमें से वे, वेरिएबल निकालने के क्या क्या मेयर किया जा क्या क्या दिया जा सकता है किस किस तरह फ्लैक्ट हो सकता है और इसके अंदर जो है इफ नॉट देन फाइंड इन समरी और फ्रॉम मैथडोलॉजी और फ्रॉम रिजल्ट और फ्रॉम डिस्कशन सेक्शन अब आपने जब वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो उसका क्या तरीके का रहा उसके लिए आप सबसे पहले समरी या चले जाओ नहीं मिले तो मेथोडोल मैथडोलॉजी में देख लो उसमें मोस्टली मिल जाते हैं जो मेथोडोलॉजी होता है वहां पे मोस्टली आपको बहुत सारे वेरिएबल्स मिल जाते हैं ठीक है जैसे मेरे पास ग्रीन टी के के अंदर cup, time, type, के अंदर कप टाइम टाइप जो अदर एसेट्रा तो इस तरह ये क्या है डिफरेंट पैरामीटर हैं जो कि जिनमें कुछ आप खुद से कंट्रोल कर रहे हो और कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होंगे जनरेट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और उसके बाद आपने अच्छा ये स्टेप्स में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में फिर क्या लिखा हुआ है जनरेट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क

ठीक है तो उन्हें आप इंक्लूड कर सकते हो योर स्टडी आपकी स्टडी जो है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी इट शुड एड्रेस गैप और इसको एक नॉलेज गैप को एड्रेस करना चाहिए तो कोई भी नॉलेज गैप कोई इशू को बीच में चीजें रह गई हैं ठीक है थीके? पुराने आर्टिकल्स के आ, अंदर तो उनको जो है वो एक्सेप्ट करके Uh, मतलब उनको आप फाइंड आउट करके ऊपर कर आप काम कर सकते हो कि ओके दिस इज द गैप एंड आई वांटेड टू फिल इट तो उसके अंदर आप प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर डाटा कलेक्ट करके आप उस काम को परस्यू कर सकते हो ओके दैट वाज ऑल अबाउट रिसर्च फाइल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क वी हैव 5 मिनट्स मेरा क्वेश्चन है आवाज आ रही है आपको